45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के अभियान में छत्तीसगढ़ ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब 1 मई से शुरू होने जा रहे 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को छत्तीसगढ़ में ग्रहण लग सकता है। वजह है वैक्सीन की कमी। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुफ्त टीके लगाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वैक्सीन खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस करने में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। यही वजह है कि अब वैक्सीन कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ को आवश्यक वैक्सीन 1 मई तक पर्याप्त मात्रा में मिल जाए इसकी संभावना कम है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने करीब 50 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर किया है, जिसमें 25 लाख कोविशील्ड डोज हैं जबकि 25 लाख कोवैक्सीन की डोज हैं। लेकिन दोनों कंपनियों के पास केंद्र के ऑर्डर के साथ दूसरे राज्यों के ऑर्डर पहले से पेंडिंग है। ऐसे में राज्य के 1,22,00,000 लोगों को लगने वाले टीकों की आपूर्ति करीब 2 महीने तक फिलहाल संभव नहीं दिख रही है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए। अजी, स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि जिस कंपनी को हम वैक्सीन का ऑर्डर दे रहे हैं वो कंपनी हमको 1 मई तक के वैक्सीन नहीं दे रही है। ये अभी कह रहे हैं 1 मई आने वाला है और 15 दिन इन्होंने नेतागिरी किया है और फिर आने वाले 15 दिन और नेतागिरी करेंगे और फिर केंद्र से मांग करेंगे कि हमको मुफ्त में वैक्सीन दो। ये इनका एक स्ट्रेटजी है, पैसा है खर्च नहीं करेंगे। इधर 1 मई से शुरू होने वाले अभियान को लेकर सरकार तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में केंद्र को आड़े हाथों लिया है। उसका कहना है कि उसने 3 श्रेणियों में लोगों को बांटकर टीकाकरण लगाने की तैयारी की है, लेकिन केंद्र के रेट की वजह से वैक्सीन मिलने में देरी हो रही है। केंद्र सरकार की इतनी गलत नीति जिसने की 20% के लिए जितना टीका रखा था उसका आधा टीका दोगुनी आबादी के लिए व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टीकाकरण प्रभाव हो गई होगा, क्योंकि ना वैक्सीन आएगी ना लोगों को टीका उस मात्रा में लग सकेगा। फिर भी हमारी तैयारी रहेगी, जितने टीके उपलब्ध होंगे तो 18 साल से 45 साल की आयु के बीच के जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए श्रेणी बना के किनको पहले लगना चाहिए। हो सकता है कि अंत्योदय श्रेणी के जो नागरिक हैं उनको पहले लगे, फिर उसके बाद में बीपीएल के जो नागरिक हैं उनको लगे, हो सकता है उसके बाद में एपीएल के जो नागरिक हैं उनको लगे। ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ में संक्रमण काफी ज्यादा है तो टीकाकरण से संक्रमण रोकने में सहायता मिल सकती है, लेकिन ये अभियान 1 मई से तेजी पकड़ेगा इसकी संभावना कम है। लाल फीताशाही और केंद्र राज्य की खींचतान छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के रथ के पहियों को रोक रही है। ऐसे में सरकार के सामने इस अभियान को सुचारू रूप से शुरू करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में 1 तारीख से जो टीकाकरण का महाअभियान था वो संकट में पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल दिक्कत ये है कि टीकाकरण के लिए जितने वैक्सीन की जरूरत थी वो उतनी वैक्सीन यहां पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने कंपनियों को यहां पर डोज के लिए कहा है, 50 लाख डोज की मांग की है, लेकिन ये भी कहना है राज्य सरकार का कि वो कंपनियां 1 मई तक शायद इतने डोज न दे पाए। सियासत इसमें भी चालू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देर से वैक्सीनेशन का यहां पर ऑर्डर दिया है, वैक्सीन की डिमांड और राज्यों ने पहले कर दी है। तो वहीं राज्य सरकार का इस मसले पर कहना है कि केंद्र जानबूझकर लेट लतीफी करवा रहा है। 1 तारीख से उसने दुगने लोगों को लगभग वैक्सीनेशन की अनुमति दी, लेकिन वैक्सीन ही यहां पर नहीं है। बहरहाल तैयारी हमारी पूरी है, वैक्सीन इस समय बहुत अहम है और वैक्सीन अगर सभी को नहीं लग पाएगी, उसमें स्पीड में अगर देरी होगी तो निश्चित रूप से दिक्कतें बढ़ेंगी। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार बांधी जी। 1 तारीख से वैक्सीन लगनी है और कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, जितनी वैक्सीनेशन पहले लगनी थी वो लग रही है लेकिन अब दुगने लोगों को वैक्सीन लगाना है और जो टीका है, जो वैक्सीन है वो आधा भी नहीं है। बांधी जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? लग,
बांदी जी तक, अमित श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। अमित जी, वैक्सीनेशन की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही थी, मांग भी थी आप लोगों की 18 से ऊपर लगाया जाए, अब ओपन हो गया 18 से ऊपर वालों के लिए एक तारीख से, लेकिन वैक्सीन अब आप लोगों के पास नहीं। भाजपा का कहना है आप लोग राजनीति करते रहे, समय गवा दिया। देखिए अभिषेक जी, भाजपा का एक ही काम, भाजपा काल कोरोना काल में भाजपा के दो सूत्र, आपदा में अवसर और मातम, आपदा में अवसर और मातम में उत्सव। देखिए जिस प्रकार से आप देखिए, लगातार आपकी आवाज इको हो रही है अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, मैं सुधरवाने की कोशिश करता हूँ, आप बोले जी। देखिए जिस प्रकार केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार, जब प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन कार्ड की जब बात करते हैं, तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि एक प्राइस क्यों नहीं। अभिषेक जी, जब मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे थे, और अगर वैक्सीन के इन्होंने रखा था और कहा था वित्त मंत्री जी, अगर और जरूरत होगी तो हम और प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप देखिए, विडंबना देखिए, कि अगर 150 रुपए की दर से 35,000 करोड़ रुपए इस पे खर्चा होते तो 234 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज बनता, यानी भारत में 117 करोड़ लोगों को डोज लग सकता था। लेकिन यहीं पर जैसा मैंने कहा कि आज सांसों की लड़ाई पर जो सियासत चल रही है, और केंद्र में बैठी हुई सरकार जिनको लगातार एक हैरानी ये होती है मुझे बात को देख के, कि प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकार अगर 1.25 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। एक तरफ तो वो 65% आबादी जिसमें युवा है उनकी हमेशा तारीफ करते हैं, और एक तरफ उनसे बदला लेते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देती है कि वैक्सीनेशन का पैसा अब आपको देना है। तो क्या ये प्रधानमंत्री जी और उनके रणनीतिकारों की फेलवर नहीं है? एक तरफ प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, अरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा आपको घोषित करना था, राष्ट्रीय नीति बना के आपको कार्य करना था, लेकिन इनके पास ना तो नीति है कोई, ना इनकी नियत साफ है। जनता देख रही है, और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके, संज्ञान लेके ये कहना पड़ा कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप हमको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्लान प्रस्तुत करिए। ना तो आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ना आप वैक्सीनेशन दे पा रहे हैं, ना लोग त्राही माम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने चुनाव में व्यस्त हैं। देखिए, हम सबको मिलकर कार्य करने का विशेष ये समय है, लेकिन कोई नीति केंद्र के पास नहीं है, और अब लोग जिस प्रकार पैनिक हो रहे हैं, हाई कोर्ट ने भी किए अमित जी। जी क्या बोला अभिषेक जी आपने? ऐसी कुछ टिप्पणियां हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए भी किए, वैक्सीनेशन को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। देखिए, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे, और दूसरी चीज हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एक, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय नीति बना के आपको कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक वो बनाइए, एक कोई हेल्पलाइन नंबर बने जो पूरे प्रदेश में कनेक्ट हो, स्वास्थ्य मंत्री जी हो उसमें हो, सीएमओ हो, और जो भी जिम्मेदार लोग हो उनका एक कोऑर्डिनेशन हो, उसमें सारी चीजों की जानकारी हो कि कितने बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीनेटेड बेड कहां पर है, सारे चीजें उसमें अवेलेबिलिटी लोगों को शो हो। हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, व्यवस्था भी आपकी जिम्मेदारी है ये भी कहा। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी की बात बता रहा हूँ मैं, उन्होंने जो कहा है भी समझते हैं। शायद इसीलिए भूपेश बघेल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है, हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज आगे बढ़ के कहता हूँ कि वैक्सीनेशन पे अधिकार सबका होना चाहिए। 18 वर्ष से जब हम मांग करते हैं तब ये उसको जारी करते हैं, जब पूर्व प्रधानमंत्री जी इनको सजेशन देते हैं तब ये जारी करते हैं, उस पर सहमति जताते हैं। तो वैक्सीनेशन पे अधिकार तो सबका होना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 21 हो चाहे 355 आर्टिकल में अगर आप देखेंगे, प्रावधान हमको दिए गए हैं कि हमारे को तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये उसकी लायबिलिटी है कि हमको, हमारे को सारी फैसिलिटीज उनको देना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से आज हालात है ना अभिषेक जी, बांदी जी से मैं सवाल आपका कर लेता हूँ। बांदी जी, वैक्सीन पर सबका अधिकार होना चाहिए, कांग्रेस ने मांग करी, कह रहे अमित जी, उसके बाद आप लोग राजी भी हुए, लेकिन अब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, तो फिर एक तारीख से जो सबको वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो कैसे चलेगा? हम सभी लोग अच्छी तरीके से जी,
जब महाराष्ट्र में कोरोना का स्कोप आया, वहां से इंडिकेट हुआ, वहां से एक संकेत आया कि एक विभत्स रूप आने वाला है। और जब संकेत आ गया हमें महाराष्ट्र से, तो हमारी राज्य की भी तैयारी होनी चाहिए। हम तैयार होते तो निश्चित तौर पर इस ऐसे अवसरों पर जो तकलीफें हो रही है वो नहीं होता। आज हमारी कांग्रेस जो है कहती है कि पीएम जो है चुनाव में व्यस्त था। हम तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग कहां व्यस्त थे? आसाम में व्यस्त थे क्या? पूरी की पूरी टीम आसाम में लगी हुई, हमारे पास पैसा भी है। हमने दारू का टैक्स से जो लगभग 450 करोड़ रुपया है, उनका अगर हमें जनता की जरूरत है तो केंद्र और राज्य क्या? हम तो स्वयं पर निर्णय करते हैं, इसको अपनी जनता के लिए सोच कर कर करते, पर ये ऑर्डर तक रिप्लेस नहीं कर पाते, एक ऑर्डर तक रिप्लेस नहीं कर पाते, समय साथ उसके डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते। इनके अध्ययन नहीं है कि हमारे पास कोरोना का ट्रेंड कैसा है, जबकि सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना का ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है। पहले हमने बुजुर्गों के लिए किया, हमने फिर उम्र घटाए और पारी पारी सबको दिया। केंद्र सरकार मोदी जी ने पारी पारी सबको, युवाओं का भी निर्णय लिया गया कि अब ऐसा ट्रेंड आ गया है जो युवाओं को भी प्रभावित करने वाला है कोरोना, तो उसके लिए भी एक निर्देश है कि हम अभी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए करें। अब ये रेट की बात करते हैं कि पूरे देश में एक रेट होना चाहिए। अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग कंपनियां हैं, इन कंपनियों से अगर हमें तत्कालिक तौर पर हमारी डिमांड के अनुसार नहीं मिल रहा है वैक्सीन, तो राज्य सरकार अपनी जनता के हित में सब कुछ करने का प्रतिबद्ध है, करे इस पर, और जवाब दे, करने के बाद जवाब देना चाहिए कि हाँ हमने किया, अपने राज्य की जनता के लिए हमने इतने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, 400 करोड़ हमारे पास दारू का पैसा है, हमने 100 करोड़ लगाया है और हमने 100 करोड़ से वैक्सीन के लिए, अगर रेट समान हो जाए तो राज्यों को और सभी राज्यों को फायदा होगा। अलग अलग रेट में मिलना या वैक्सीनेशन राज्यों को अलग, केंद्र को अलग, ये आपको सही लगता है, सही मानते हैं इसे? हर एक कंपनियों का अलग अलग ब्रांड है, हर एक एक रेट होता है, और मेरे को विश्वास है कि केंद्र सरकार उसी ब्रांड की कंपनी ने केंद्र को कम में दिया है, इसे निर्णय लेगी और पक्के तौर पर करेगी। मोदी जी पर विश्वास की आवश्यकता है, वो निश्चित तौर पर करेगी, और तब तक के राज्य सरकार अपने लोगों के लिए जितना उदारता के साथ कर सकती है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। अब अभी तक के मतलब जब विरोध होगा, हंगामा होगा, उसके बाद करेगी, बांधी जी ये कहना चाहते हैं आप? हाँ अभिषेक भाई, जब विरोध करेंगी राज्य सरकारें, हंगामा करेंगी, उसके बाद होगा कम, आप बोल रहे हैं आने वाले समय में कम होगा? मुख्यमंत्रियों का बैठक और चर्चा चल रही है, चर्चा का दौर चल रहा है, अपनी बात जी ने रखा है छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री, है ना? और ऐसा नहीं है कि वहां से ऐसा उत्तर वह भी वैक्सीन, जैसे पहले भी वैक्सीन आया था, पहले भी यही प्रश्न उठते थे कि ये वैक्सीन हमको फ्री में मिलना चाहिए, वैक्सीन फ्री में भी मिला है और लोग इस पर कतई रेट की, स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस रेट के लेकर के चिंतित रहते थे कि हमारा इससे रेट है, ऐसा रेट है, जबकि मिला तो हमको फ्री में मिला। बल्कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बात भी कहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, यहाँ भ्रम भी पैदा उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने किया कि ये वैक्सीनेशन जो है जब तक 3 ट्रायल नहीं हो जाएगा हम उसको लागू नहीं होने देंगे। ऐसा करके कुछ दिनों तक हमारे वैक्सीनेशन भी स्टॉल में पड़ा रहा है, हमने काफी बात की है, काफी सियासत हो चुकी है कि वैक्सीन को लेकर दिक्कत हुई थी। मैं एक सवाल अमित जी से कर लेता हूं या बांधी जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। अमित जी, भाजपा ये भी कह रही है कि आप लोगों के पास जो पैसा है और आप लोग उस पैसे के साथ खरीदने को शायद तैयार भी हैं,
लेकिन आप लोगों ने डिमांड करने में देर कर दी। पहले आप लोग सियासत करते रहे, अब डिमांड करने में देर कर दी, ये आरोप लगाया है आज सांसद सुनील सोनी ने। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा के सांसदों के चाल चरित्र और चेहरे को छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। ये चुनाव तो यहाँ से जीतते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जनता को इनकी मदद की आवश्यकता होती है तो ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसे देने वाले लोग हैं कि जनता इनको सिरस्ती लेना छोड़ चुकी है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रोज आपदा में अवसर ढूंढते हैं और अपनी अपनी इमेज को चमकाने का वो प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि भाजपा के दो सूत्र कोरोना काल में आपदा में अवसर और मातम में उत्सव, और आपदा में अवसर मान के सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार लूट रही है। मैंने जैसा कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले ही कह दिया है कि 15 मई तक हम इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकते, उसने अपनी अक्षमता प्रकट कर दी है। और जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई सरकार, जैसा मैंने कहा कि लोगों को उनके हालात, बाकी राज्यों ने वहां पर पहले ही डिमांड रख दी है, इसलिए ये तर्क दिया जा रहा है यहाँ पर। अमित जी, आप लोग अपनी डिमांड रखने में देर हो गई, ये आरोप भाजपा लगा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनकी गलत नीतियों के कारण आज पूरा देश जो चीजों के भुगत रहा है, जनता समझ चुकी है। आज एक खबर आपसे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सोशल मीडिया में 100 से ज्यादा लोगों की खबर को इन्होंने डिलीट करवा दिया जी। मरीजों की संख्या छुपाने के लिए राज्य सरकार को कहा जा रहा है, आज के ही न्यूज़पेपर और आपके चैनलों के माध्यम से हमने देखा है। लेकिन अभिषेक जी, शमशान में जलती हुई लाशों का ये संख्या को कैसे छुपाएंगे? देश की जनता जिसे देख रही है, देश की जनता समझ चुकी है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार सिर्फ व्यापारियों की सरकार है। और आज प्रधानमंत्री जी को मैं इसको लेके ये सवाल बांदी जी से जरूर करता हूँ। ठीक, बांदी जी से मैं सवाल करता हूं, जो आपने कहा कि छुपाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अमित जी, ये तो आप मानते हैं कि हमारे राज्य में कम से कम हमारा राज्य उस दबाव में नहीं आ रहा है? अगर कहीं दबाव पड़ रहा है वो तो फेयर तरीके से जारी कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोग उससे छुपाने की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें अगर रहेंगी लोगों के सामने, लोग हमारे प्रदेश के बहुत समझदार हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की ये बातें सब आ रही हैं, कम से कम देश की फिजा के लिए और लोगों के लिए अच्छी नहीं है। लोग आज ऐसे ही आपके राज्य में, जब से आप 7 सालों में आए हैं और 70 सालों का हिसाब मांगते थे, 70 सालों में तो हमने इतने सारे हॉस्पिटल बना दिए कि कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन 7 साल में जो आपने देश के साथ, देश का सत्यानाश करने का जो आपने प्रयास किया है, सत्ता की ऐसी सुख, ऐसी भूख मैंने किसी के आज तक कोई भी कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नहीं देखा। गांधी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे अमित जी के आरोपों पर, आंकड़े छुपाने को लेकर आरोप पर आप कुछ बोलना चाह रहे थे गांधी जी? कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जनता के लिए जवाबदेही है और इनके चाल, कांग्रेसियों का चाल बहुत अच्छा है, चरित्र बहुत अच्छा है, इनके चेहरे बहुत अच्छे और इसी चेहरे के कारण, इनके चाल चरित्र चेहरे के कारण आज ईएमएफ फंड का दारू का पैसा जो 400 करोड़ है उसका उपयोग करना भी नहीं करें। केवल राजनीति की बात, लाखों की गिनती इनकी कमियां है, ये व्यवस्था बनाने में फेल है। व्यवस्था बना, गांव की स्थिति बद से बदतर हो गई है, हॉस्पिटल में कोई जवाबदेही व्यक्ति नहीं है, केवल कोरम पूरा करने के लिए बदर के लाश गिराने का काम कर रहे हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, यह आरोप लगाना। अरे अल्टरनेट हमारे पास, हमारे डायरेक्टर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन विभाग से यह निर्देश जाए कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा तो अल्टरनेट हमारे पास मेडिसिन का कौन सा प्रोटोकॉल है जिसे हमें चालू करना चाहिए, यह निर्देश जाना चाहिए। और डॉक्टर लोग रेमडेसिविर नहीं मिल रहे हैं उसकी उपयोगिता कितनी है कितनी नहीं है यह भी समाचार पत्रों में आ रहा है। अपनी कमियों को, लाश को ये गिन रहे हैं, पूरी बयानबाजी और खोखले भाषण से जनता और आप लोगों के त्रस्त हो चुकी है। व्यवस्था बनाने में फेल है ये केंद्र सरकार है, ये लोग समाधान दिलाइए, फेल है, स्वास्थ्य मंत्री रहे, गलतियों को दूसरों पर आरोप लगाते हैं, हमेशा निर्णय करने में चूक जाते हैं, समय रहते तक चूक नहीं जाते, चूक जा रहे हैं। 138 करोड़ जनता की जवाबदारी देश के प्रधानमंत्री जी की थी, जो बंगाल महीने से ढाई महीने से घूम रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कांग्रेस की जब अलर्ट हो गया, कांग्रेस की सूचना आ गई कि महाराष्ट्र हमारा बॉर्डर है, मध्य प्रदेश से जुड़ा बॉर्डर है और हम इससे प्रभावित होंगे, उस समय इनकी व्यवस्था
मजबूत होनी चाहिए थी, उनकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी तैयारी करने के बजाय आसाम के चुनाव में गए। पूरी जिम्मेदारी गांधी जी, वैक्सीन वैक्सीन को लेकर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, वैक्सीन यहाँ उपलब्ध करवाने में क्या आप लोग कुछ मदद करेंगे? छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ मदद मिलेगी? नहीं, हम पीछे नहीं जाते, हम बहुत बात कर चुके हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। गांधी जी, अमित जी, मैं सीधा से सवाल आप दोनों से ही करूंगा। गांधी जी, वैक्सीन उपलब्ध करवाने में आप लोग क्या छत्तीसगढ़ की कोई मदद कर सकते हैं या करेंगे? गांधी जी, गांधी जी, आपसे सवाल है मेरा। बत्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है, तो ये वो लोग हैं जो घड़ियाली आंसू चैनलों में आके बैठते हैं, लेकिन जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, जनता भी ये समझ चुकी है। इनके पास राजनीति का नहीं है, मैं तो ये पूछता हूँ दारू का पैसा। अमित जी और गांधी जी, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं सवाल कर रहा हूँ। फाइनल कमेंट कृष्णमूर्ति गांधी जी, वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध कराने में क्या आप छत्तीसगढ़ की कुछ मदद कर सकते हैं? निश्चित तौर पर अभिषेक भाई, हमारे पास पैसा है, मैं बता रहा हूँ, दारू का पैसा हमने कर रहे हैं, इसको कितना खर्चा किया है कोरोना की व्यवस्था को लेकर के, अरे 25-50 करोड़ लगे। उसमें आप लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? जनप्रतिनिधि आप लोग भी है, मैं वो आप लोगों की भी क्या कुछ भूमिका हो सकती है इसमें? निश्चित तौर पर अपनी केंद्र सरकार नहीं दे रही है, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, हमारे खुद के स्वयं के हाथों से निर्णय करें, राज्य के संसाधनों से निर्णय, और पैसे की कोई कमी भी नहीं, इसलिए। और चलिए अमित जी, वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि फिलहाल हम थोड़े पीछे जरूर हो गए हैं वैक्सीन ऑर्डर करने में। यहाँ पर वैक्सीन को लेकर अब किस तरीके से प्लान तैयार किया जाएगा, क्या उसका कोई ऑप्शन निकालने की कोशिश होगी? देखिए, हम कोई लेट नहीं हुए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना यू टर्न मारेगा, लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा 138 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदारी केंद्र में बैठी निरंकुश सरकार की थी, लेकिन उन्होंने एक साल में कोई भी प्रयास नहीं किया, राज्यों को एक समय के बाद कहा है कि 15 मई तक उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। हम तो सारे लोगों को टीकाकरण करेंगे, मुफ्त टीकाकरण करेंगे, लेकिन आज दुख का विषय यह है कि एक छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा और केंद्र की जनता का पैसा दोनों एक ही पैसा है, लेकिन अलग अलग अगर उनको प्राइस देना पड़े, दुख का विषय है। प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र में बैठी हुई सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और कंपनी को कहना चाहिए कि नहीं, आपको राज्यों को भी 150-150 रुपए में देना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई व्यक्ति जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाएगा तो दो टीके का उसको 600 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए देना पड़ेगा। तो आप जिस बात को समझिए अभिषेक जी, आज एक चिंता का विषय है, और जिस प्रकार से देश में बहुत शुक्रिया आप दोनों का करूंगा मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, 1 तारीख से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना है, लेकिन वैक्सीन की दिक्कत आ रही है क्योंकि इतनी वैक्सीन कंपनी के पास नहीं है, और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो फिलहाल कंपनी ने छत्तीसगढ़ को कहा है कि 15 मई तक वो पर्याप्त जो 50 लाख वैक्सीन के ऑर्डर हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाएगी। सियासत इस बात पर भी चल रही है कि अलग अलग दामों पर क्यों वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, केंद्र को जिस रेट पर मिल रही थी, राज्यों को बढ़े हुए रेट पर क्यों मिल रही है, क्या इस पर कुछ होगा। कुल मिलाकर जो ये सियासत हो रही है, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो आम जनता का नुकसान यहाँ पर होने वाला है। इस लड़ाई में आम जनता पिस रही है, और ये आशंका से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो आने वाले समय में भी पिसती रहेगी अगर जल्द इसका कोई फैसला नहीं किया गया। आज का मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।